जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला एलको 13 स्मार्टफोन के बारे में, जो स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। यह स्मार्टफोन पहले चाइना में लॉन्च होगा और उसके बाद इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो यह स्मार्टफोन में 6.7 इंच की एक ओलेड पैनल देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली, क्योंकि स्मार्टफोन फ्लैक्सिप स्मार्टफोन होने वाला है, इसलिए स्मार्टफोन डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। आगे बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो ये स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 4 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन हो सकता है जिसमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ही कमाल का चिपसेट है जो हमें ये स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हाई सेटिंग पर गेमिंग कर सकता है, गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, और यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली। आगे बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। ये स्मार्टफोन में 6100 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, जिसको चार्ज करने का 120 वाट के चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन में यहाँ पर 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको चार्जिंग डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं स्मार्टफोन कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर 15 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलना है। यहाँ पर आपको तीनों सेंसर 15 मेगापिक्सल के देखने को मिलना है। यहाँ पर आपको सेंसर में OIS और EIS भी देखने को मिलना है। तो यहाँ पर आपको कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिलना है। और बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। यहाँ पर आपको कैमरा बहुत ही फ्लेक्सिबल लेवल का देखने को मिलना है। यहाँ पर आपको कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिलना है। यहाँ पर आयर ब्लास्टर देखने को मिलना है, डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलना है, IP68 का सपोर्ट देखने को मिलना है, और एंड्रॉइड 14 का भी सपोर्ट होने वाला है। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है। तो आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की और लॉन्च डेट के बारे में। तो ये स्मार्टफोन की प्राइस 40,000-50,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। और बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो स्मार्टफोन नवंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। आपको लगता है स्मार्टफोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।